हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस में हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा इंटीग्रिटी। नाउ व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी रिफर करता है डेटा का करेक्ट होना और डेटा का कंप्लीट होना। ठीक है, तो बेसिकली कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा रिफर्स डेटा इंटीग्रिटी। अब यहाँ पे कैसे कंप्लीटनेस और कैसे करेक्टनेस, डेटा करेक्ट कब होता है, डेटा कंप्लीट कब होता है, कहने का मतलब है। एक एग्जांपल लेते हैं हम, जो स्टूडेंट टेबल है रोल नंबर नेम एज, अब इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करना शुरू करते हैं। डेटा इंसर्ट करना, रोल नंबर है 001 002 003, यहाँ पे नेम प्रोवाइड करता है डेटा।
इंटरेक्शन के साथ साथ डेटा इंटीग्रिटी डेटा को क्वालिफाई भी करता है, मीन्स क्वालिटी बढ़ाता है डेटा की, कि डेटा कंप्यूटर करे दोनों होना चाहिए। तो डेटा की क्वालिटी ऐसे बढ़ती है कि ये एरर्स जनरेट ना करे व्हेनेवर प्रोसेस्ड। अब इसके बाद डेटा इंटीग्रिटी कंसिस्टेंट डेटा मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी इनकंसिस्टेंट डेटा या कोई भी इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डेटा डेटाबेस में एंटर ना कर सके। इस चीज को मेंटेन करते हैं, या समझो एक फिल्टर जैसा काम करता है, जो वो सेट ऑफ रूल्स होता है वो एक फिल्टर जैसा काम करता है, जिनको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स? वो सेट ऑफ रूल्स जिन सेट ऑफ रूल्स से हर एक डेटा पास होके डेटाबेस में फीड होता है। ठीक, अब उन रूल से जब डेटा पास होता है डेटाबेस में फीड होने के लिए, तो उस वक्त उन रूल्स को फॉलो करते करते जितने भी इनकरेक्ट या इनवैलिड डेटा है, जितने भी इनकंसिस्टेंट डेटा है, वो क्या होंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे, और जितने भी वैलिड कंप्लीट करेक्ट कंसिस्टेंट डेटा है वो जाके डेटाबेस में सेव होंगे। तो ये जो फिल्टर करने का काम करता है वो करता है कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट। दीज कंस्ट्रेंट्स आर नोन एज सेट ऑफ रूल्स दैट एवरी डेटा कैन दैट एवरी डेटा शुड पास बिफोर फीडिंग इन डेटाबेस। ठीक, तो अब ये जो कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट entity integrity constraints, second referential the first is entity integrity constraints, second is referential integrity constraint. Now entity integrity constraint हमेशा वो रूल्स होते हैं जो प्राइमरी डेटा है। ठीक, पहला एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, वो सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमेशा डेटाबेस की प्राइमरी की पे अप्लाई होते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? वो जिससे हम कोई यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइमरी की होता है। हमने इसके क्लास में पढ़ा हुआ है प्राइमरी की क्या होता है। तो इसमें कोई भी अलग से सेट ऑफ रूल्स हमको अप्लाई नहीं करने पड़ते। जैसे ही हम प्राइमरी की सेट करेंगे डेटाबेस का, जैसे ही हम प्राइमरी की सेट करेंगे कि हाँ यहाँ पे ये रोल नंबर है वो प्राइमरी की है, ऐसा जैसे ही हम सेट करेंगे, वैसे ही ये एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ये रूल्स उस डेटाबेस में अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो उस डेटाबेस में जैसे ही कंस्ट्रेंट और रूल्स अप्लाई होंगे तो वैसे ही क्या होगा, वो रूल्स मतलब डेटा अपने आप उन रूल्स से पास ऑन होने लगेगा और उन रूल्स के हिसाब से रिजेक्ट सेलेक्ट होने लगेगा। ठीक, हमारे पास मान लीजिए डेटाबेस है, सेम एक डेटाबेस ले लेते हैं, रोल नंबर नेम एज। इसमें करना क्या है, रोल नंबर हमने एंटर किया 001, नेम एज, फिर उसके बाद हमने वापस से एक और रोल नंबर एंटर किया, हमने अगर ऐसे एंटर किया ये रिकॉर्ड तुरंत के पुलिस रिजेक्ट होगा। क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि प्राइमरी की हमारा क्या है, यहाँ पे रोल नंबर नेम तो प्राइमरी की हो नहीं सकता, एज भी प्राइमरी की नहीं हो सकता, बहुत सारे लोगों की एज सेम हो सकती है, तो यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों का नाम सेम हो सकता है, विद सरनेम भी नाम सेम हो सकता है, जिसमें नेम जो है हमको यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। तो प्राइमरी की कौन हुआ? रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हुआ। तो प्राइमरी की में एक बार हमने 001 का रोल नंबर फीड कर दिया है, 001 रोल नंबर का रिकॉर्ड फीड कर दिया है। सेकेंड टाइम ऑल्दो हमारा नेम अलग है, हमारा एज अलग है, मतलब इस टपल के बाकी रिकॉर्ड्स हमारे पास ऑल्दो अलग है, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू तो रिपीट हो रही है, प्राइमरी की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये जैसे ही सेकेंड वाला हम रिकॉर्ड डालेंगे ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये डेटाबेस में सेव नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे
और लिखी है जिसमें मैंने रोल नंबर एंटर नहीं किया, ठीक। बिना रोल नंबर एंटर किए मैंने यहाँ पे बाकी वैल्यूज डाल दिए, तो ये रिकॉर्ड भी क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू मिल रही है, ठीक। तो कहने का मतलब है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, वो सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, सॉरी एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में रूल क्या होता है, बेसिक रूल ये अप्लाई होता है कि डेटाबेस में नल वैल्यू एंड ड्यूप्लीकेट वैल्यू, ये दोनों वैल्यू नहीं मिल सकती, ठीक। और ये रूल अप्लाई किस पे होता है, ओनली ऑन वैल्यू। और इस इन सारे सेट ऑफ रूल्स मतलब एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए को अप्लाई करने के लिए हमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती अलग से कोई फॉर्मेलिटी करने की, अलग से कुछ फॉर्मेशन देने की। अपने आप जैसे ही हम डेटाबेस का प्राइमरी की सेट करेंगे कि हाँ डेटाबेस का ये प्राइमरी की है, जैसे ही प्राइमरी की सेट होगा ये रूल्स अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको रिकॉर्ड इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक और नाम है रिकॉर्ड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे प्राइमरी की पे अप्लाई होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रक्ट, पहली चीज याद रखने की। दूसरी चीज ये इसका रूल ये कहता है कि कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कोई भी डेटा किसका, ये प्राइमरी की का कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। यहाँ पे बाकी डेटा की डुप्लीकेसी बिल्कुल हो सकती है, प्राइमरी की के डेटा की डुप्लीकेसी बिल्कुल नहीं होगी और प्राइमरी की में कोई वैल्यू नन नहीं होगी, ठीक। प्राइमरी की जितनी वैल्यूज है उसमें से कोई चीज कोई डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा और कोई नन नहीं होगा, ये था एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब आते हैं हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट पे। व्हाट इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? जैसे एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट प्राइमरी की पे अप्लाई होता है, ठीक वैसे ही डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट किस पे अप्लाई होता है, फॉरेन की पे। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट किस पे अप्लाई होता है, फॉरेन की पे। व्हाट इज फॉरेन की? देखा है हमने फॉरेन की क्या होता है, अगर मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, ये मेरे पास एक डेटाबेस है, दूसरा डेटाबेस होगा मेरे पास रोल नंबर और एज, ठीक। तो इस डेटाबेस का चलिए हम एक और कॉलम ले लेते हैं जेंडर का, और यहाँ पे एक और कॉलम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। इसमें रोल नंबर हमारा प्राइमरी की होगा, सही से बात है, ये है हमारा पेरेंट टेबल और ये हमारा चाइल्ड टेबल। अब पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल क्या होता है, जो हमारा बेसिक टेबल है जिसकी प्राइमरी की एज एन फॉरेन की प्रेजेंट है दूसरे टेबल में, वो टेबल होता है पेरेंट की पेरेंट टेबल, एंड जिसमें फॉरेन की अवेलेबल है वो टेबल होता है चाइल्ड टेबल, ठीक। तो बेसिकली फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की ये होता है कि हमारे पास एक डेटाबेस है, इसका कोई एक वैल्यू, कोई एक नहीं, जो प्राइमरी की इसका एक प्राइमरी की वैल्यू, एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट दूसरे टेबल में प्रेजेंट हो एज फॉरेन। जैसे यहाँ पे रोल नंबर है, अगर मेरे को यहाँ पे हम रोल नंबर क्लिक करते हैं 001 002 003, यहाँ पे 001 001 002 003, मैंने डेटा ऐड किया, यहाँ से मेरे को नाम चाहिए किस मेल का, रामू सिंगम नेहा, और यहाँ पे भी यहाँ पे समथिंग एज और कॉन्टैक्ट यूज किया एज। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रोल नंबर हम अगर 101 की बात करते हैं तो मेरे को देखना है कि रोल नंबर 001 रोल नंबर का एज इतना है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, तो इसका नाम कौन है, मतलब किसका है ये डिटेल, किस इंसान का है वो देखना है। तो मैं क्या करूँगी, रोल नंबर 001 के लिए देखना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से जाऊँगी इस डेटाबेस पे कनेक्ट करेंगे, इस डेटाबेस पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ से जो रोल नंबर वाला कॉलम है, इस रोल नंबर वाले कॉलम में 001 देखेंगे, वहाँ से नेम और जेंडर मिल जाएगा। तो ये वर्किंग फॉरेन की होती है, किसी एक टेबल में
और क्या हम देखते हैं हमने कि जब तक कोई न्यू वैल्यू पेरेंट की में इंसर्ट हुआ है
चाइल्ड लेबल में भी इंसर्ट नहीं हो सकता, तो पेरेंट लेबल में इंसर्ट नहीं हुआ है कोई न्यू वैल्यू, बट इनिशियल जब मूव करना है तो हम चाइल्ड लेबल में पहले डिलीट करेंगे, देन उसके बाद आगे पेरेंट लेबल में डिलीट करेंगे। ठीक, ये था डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, डिफरेंशिएटिंग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो जब ये दोनों टाइप ऑफ इंटीग्रिटी मेंटेन होती है तब आप कहते हैं, मतलब ये सारे सेट ऑफ रूल्स, ये दोनों के जितने सेट